つを。छोटी छोटी मूर्तियां बना रखी हैं सबकी। सबको ही कवर कर लिया इन्होंने, देवी देवताओं से लेके और जितने भी महापुरुष कबूतर दिन में मिले इब्राहिम लिंकन। अंदर की तरफ भी डिजाइन इस मंदिर को बनाने में 25 लाख रुपए का टेंडर दिया गया और 23 लाख रुपए में बनके तैयार हो गया था। घनश्याम दास बिरला के पिताजी राजा बलदेव दास उन्होंने इस मंदिर को स्टार्ट करवाया था बनवाना और डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। ये मंदिर पूरा मंदिर 4 साल में बनके तैयार हो गया था। 6 फरवरी 1960 को मुरारजी देसाई ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। इस मंदिर को बनाने में 350 मिस्त्री लगी, 1000 लेबर लगी। कुछ मूर्तियाँ पिलानी में बनी, कुछ मूर्तियाँ जयपुर में बनी, कुछ मूर्तियाँ मकराना में बनी। पूरा पत्थर ये मार्बल एक नंबर का पत्थर है जो ताजमहल में लगा, वही पत्थर इसमें लगा है। इस मंदिर में टोटल 60 पिलर है। ईंट रोड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें पत्थर में पत्थर डाल करके और इस मंदिर को एक अद्भुत शिल्प कला का एक नमूना दिया गया है जो पूरे 100-150 वर्ष में ऐसा नहीं बना। 20वीं शताब्दी का सबसे टॉप का मंदिर इसको बोल सकते हैं। ऐसे मंदिर 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मंदिर के टाइम में बनते थे, अब नहीं बनते हैं ऐसे मंदिर और अब आगे भविष्य में नहीं बनेंगे, इनको बनाना संभव नहीं है। अपने तो इसको बनाने वाले रहे हैं
और न इतना पैसा खर्च करने वाले नहीं है। आज इस मंदिर की मोटा मोटी कीमत आप आंकें तो 4 अरब रुपए है, जिसमें इस क्वालिटी का पत्थर खत्म हो गया है। ये क्वालिटी भारत में अब नहीं है, जो भी मार्बल आ रहा है वो विदेशों से आ रहा है। हमारे यहाँ मकराना में आप जाके देखोगे तो सभी खदानें बंद पड़ी हैं और काला किला ऐसा पत्थर है वो बहुत हल्की क्वालिटी का है, इस क्वालिटी का पत्थर है। इस मंदिर में टोटल 920 मूर्तियाँ हैं, रामायण से लेकर के महाभारत तक के चित्र इस पर लगाए गए हैं। ये सफ़ेद मंदिर है, शांति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। इस मंदिर को एक रथ का आकार दिया गया है। जिन महापुरुषों ने हमें विशेष ज्ञान दिया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है या अन्य क्षेत्रों में है, जिन्होंने विशेष ज्ञान दिया उन महापुरुषों के चित्र भी देवताओं के साथ साथ इस मंदिर पर अंकित किए गए हैं। ये इस मंदिर की एक अनूठी अद्भुत इसमें अलग से बात है जो सब मंदिरों से इस मंदिर को अलग करती है। इस मंदिर की हाइट 109 फीट है। इस मंदिर को एक रथ का आकार दिया गया है जिसको दो हाथी खींच रहे हैं। ये सरस्वती माँ की मूर्ति 1959 में कलकत्ता से बन के आई थी। उस समय इस मूर्ति की कॉस्ट 4,000 रुपये थी। ये शिक्षा की नगरी है, इसमें सरस्वती माँ खड़ी होकर के और शिक्षा के रथ को चला रही हैं, इसलिए एकमात्र विश्व की मूर्ति ये खड़ी हुई है। बाकी सभी जगह आपको सरस्वती माँ की मूर्ति बैठी हुई मिलेगी। बाहर दो प्रतिमाएँ लगी हुई हैं वो अष्ट धातु की बनी हुई हैं, और राजा बलदेव दास और रानी योगेश्वरी देवी उनका नाम है, और वो घनश्याम दास बिरला की माता और पिता हैं। उस समय ये दोनों मूर्तियाँ अष्ट धातु की 22,000 रुपये में बनकर के आई थी। ये मूर्तियाँ मंदिर के ऊपर 5 गुम्बजें हैं, जिसके ऊपर पीतल के वो कलश रखे गए हैं, जिसके ऊपर सोने का वर्क किया गया है। इस पर 56 तोला सोना चढ़ाया गया था 1956 में। तोड़ा मासरत थी हमारी, तोल मापदंड थे और 1 रुपये में 64 पैसे होते थे, और 56 में भारतीय करेंसी चेंज हो गई थी और 1 रुपये में 100 पैसे होने लग गए थे। तो इस मंदिर का जो पत्थरों का वजन है, इसका मानदंड जो भी है वो पुराने हिसाब से लिखा हुआ है, गज में मण में। जैसे एक हाथी का वजन 220 मण है, लगभग 90 क्विंटल का एक हाथी है, 9 टन का जो बाहर खड़े हुए हाथी जो रेलवे से चिड़ाव तक लेके आए गए और बैलगाड़ियों से चिड़ाव से पिलानी तक लाए गए और रस्सों से खींच करके इसको रखा गया है। इस मंदिर में खुजराव के मंदिर की नकल भी बनाया, लेकिन इसमें देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो वर्ल्ड फेमस मंदिर है, उसकी भी नकल इसमें ली गई है, और एलिफेंटा की गुफाओं की भी नकल इसमें ली गई है। इस मंदिर में फॉसिल्स स्टोन भी लगाए गए हैं जो अरबों वर्ष पहले के थे, जीवाश्म पत्थर जिनको हिंदी में बोलते हैं। वो अद्भुत पत्थर है जिसको दूध में डाल देंगे तो दूध जम जाता है। वो मात्र जैसलमेर में राजस्थान में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ऐसे पत्थर भी उसमें अनूठी इसमें लगाई गई है। एक एक मूर्तियाँ तराश तराश करके बनाई गई हैं। मूर्तियों में कहीं जॉइंट नहीं है, जॉइंट अगर होता है तो वो मूर्ति खंडित हो जाती है, उसको मंदिर में नहीं लगाया जाता है, उसकी पूजा नहीं होती है। जो सामने सरस्वती माँ की प्रतिमा है वो कलकत्ता से 1959 में आई थी, 4,000 रुपये में बनकर के आई थी, और एक ही पत्थर में उसको तराश करके बनाया गया, जो बहुत ही अद्भुत है। आज इसके मुकाबले की मूर्ति बनना या मिलना बहुत ही असंभव है। ऐसी मूर्तियाँ बनती बहुत कम बनती हैं। सरस्वती माँ का वार गुरुवार होता है, तिथि पंचमी होती है, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ का जन्म हुआ था। विशेष रूप से दशहरे के दिन भी सरस्वती माता की पूजा की जाती है, और नवरात्र में सप्तमी से एकादशी तक सरस्वती माँ की विशेष पूजा की जाती है। और सरस्वती माता का एक छोटा सा मंत्र है, ओम वद वद वागवादिनी स्वाहा। इस मंत्र से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और लोग यहाँ आते हैं, आओ दर्शन पाओ और लाभ ले, मेरा यही संदेश है। धन्यवाद पंडित जी।